वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज करने वाले हैं हम रिव्यू TVS की न्यूली लॉन्च अपाचे RTR 164V का स्पेशल एडिशन। दोस्तों, ये जो एडिशन TVS अपाचे RTR में आपको देखने को मिलता है 164V में, ये बहुत ही लिमिटेड एडिशन है। इसको परचेज करने के लिए फिलहाल आज के वक्त में आपको बुकिंग करानी पड़ती है। लगभग एक महीने का बुकिंग टाइम पीरियड चल रहा है इस वेरिएंट पे। दोस्तों, ये जो एडिशन है ये मैट ब्लैक एंड रेड में आता है, जो कि स्पेशल एडिशन है। यहाँ पे आपको फुल मैटी डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक में आता है। यहाँ पे आपको रेड फिनिश देखने को मिलेगा एंड ये पूरा मैट एडिशन है। इसमें बिल्कुल भी ग्लॉसी फिनिश नहीं दिया गया है। जो फ्रंट व्हील्स हैं और जो बैक व्हील्स हैं उस पर भी जो रिम है वो भी आपको रेड कलर का देखने को मिलता है, जो कि एक पूरा प्रीमियम स्पोर्टी लुक देता है बाइक को। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टेक थेरेपी को जरूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। लुक्स की अगर बात करें दोस्तों, तो ये बिल्कुल 200cc वाला जो वेरियंट आता है अपाचे RTR का, ये उससे एकदम ही हूबहू मिलती जुलती दिखाई देती है। फ्रंट पे आप नज़र डालते हैं तो जो DRLs हैं इस पे मेजर चेंज आया है। पहले जो DRLs थे वो आपको साइड्स में देखने को मिलते थे, अब उसे फ्रंट में दे दिया गया है। तो ये एक मेजर चेंज है इसके DRLs के अंदर। तो ये यकीनन आपको 200cc वाला फील देती है। तो इस पे TVS ने काफ़ी अच्छे से काम किया है इसके डिज़ाइन एंड लुक्स पे। साइड से भी दोस्तों अगर आप नज़र डालते हैं बाइक के ऊपर, तो ये एकदम स्पोर्टी लुक आपको देती है। यहाँ पर आपको मिलती है TVS की बैजिंग इस साइड पर, जो कि हमेशा दी जाती है RTR सीरीज़ में। और ये जो टैंक है काफ़ी ज़्यादा बल्की बनाया गया है इस बार। बाहर की जो बॉडी है इसकी वो फाइबर की बनाई गई है, ताकि जो वेट है वो अच्छे से बैलेंस किया जा सके। हालांकि जो टैंक है वो मेटल का ही है, लेकिन ऊपर से उसको प्लास्टिक का फिनिश दिया गया है, ताकि जो हैंडलिंग है वो एकदम लाइट वेट रह सके। साइड में आप दोस्तों नज़र डालते हैं, स्टिकर यहाँ पे आपको लगा हुआ मिलता है। काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लुक है, एक क्लॉ डिज़ाइन देखने को मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे भी पूरी आपको फाइबर बॉडी देखने को मिलती है। यहाँ पे अपाचे का स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पे आपको ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, तो जो हाइट रखी गई है ब्रेकिंग की वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। तो पैर जो है आपका बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ डाउन साइड नहीं जाता है, वो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। नीचे की तरफ आपको इंजन क्लॉ देखने को मिलता है, जो कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करता है आपकी बाइक को नीचे की तरफ से। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर एज का स्टिकर लगा हुआ है। और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छी है। बहुत आसानी से नहीं निकलने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्लास्टिक है तो निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात करते हैं अगर ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर 180cm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, तो वहाँ पे भी कोई इश्यूज नहीं आते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिलता है 159.7cc का, जो कि एक ऑयल कूल्ड इंजन है। यहाँ पे आपको कॉयल देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑयल बेस्ड है। तो कूलिंग जो इस बार दी गई है वो ऑयल कूल्ड दी गई है। दोस्तों, जो इंजन है, जो पावर जनरेशन है, वो यहाँ पे होती है 17.55 PS की। ये जो पावर है दोस्तों, ये मैक्सिमम पावर है 17.55 PS की, जो आपको स्पोर्ट्स मोड में देखने को मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं साइलेंसर की, तो ये एक डुअल बैरल साइलेंसर दिया गया है, जो कि काफी अच्छी साउंड आपको जनरेट करके देता है इस इंजन पे। आइए दोस्तों इसकी साउंड को चेक कर लेते हैं। जैसे कि डुअल बैरल साइलेंसर आता है, उसको ऑन करते हैं, साउंड आप सुनिएगा। तो दोस्तों, साउंड जो है डुअल बैरल साइलेंसर का बहुत ही ज़्यादा क्रंची साउंड है, एक बेस सुनाई देता है उसके अंदर आपको। तो जब आप इस पे राइड करेंगे इस बाइक पे, तो यकीनन एक इम्प्रेशन डालने वाला है। दोस्तों, टायर्स पे अगर नज़र डालते हैं, तो फ्रंट एंड बैक बोथ टायर्स पे आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। टायर साइज़ की दोस्तों बात करें, तो रियर पे जो साइज़ है वो है 110x80cm का, जो कि ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रंट पे जो साइज़ दिया गया है वो 90x17cm का है। और जो फ्रंट है यहाँ पे भी आपको सिंगल चैनल ABS का ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे भी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। दोस्तों, जो डिस्क दी गई है ब्रेकिंग की, अगर इसके साइज़ की बात करें, तो यहाँ पे आपको 270mm का साइज़ दिया गया है फ्रंट पे। जो बैक में डिस्क दी गई है उसका साइज़ है 200mm का। तो यहाँ पे भी अच्छी पकड़ रहेगी आपकी रोड के ऊपर बैक व्हील से भी। दोस्तों, बैक लुक्स की अगर बात करते हैं, तो यहाँ से भी एक दमदार स्पोर्टी लुक देखने को आपको मिलता है। यहाँ से भी आपको ये जो बाइक नज़र आती है, कहीं से भी 160cc की नज़र नहीं आती है। यहाँ से आपको लगता है कि यकीनन 200 या 250cc की कोई बाइक खड़ी हुई है। जो टैंक साइज़ है वो भी पीछे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, तो बहुत ही स्पोर्टी लुक देता है। यहाँ पे आपको टेल लाइट्स LED में देखने को मिलती हैं। इंडिकेटर्स भी LED के दिए गए हैं, जो कि फिक्स्ड हैं। यहाँ पे आपको सीट खोलने के लिए लॉक दिया गया है, तो यहाँ पे आप चाबी लगाइए, ठीक है, और इसको खोलिए
ये खुल जाएगा इस तरह से एंड इस तरह से आप इसको बंद कर पाएंगे। दोस्तों एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इस बाइक की कि एक स्पोर्टी लुक होने के बावजूद कंपनी ने यहाँ पे साइड स्टैंड प्रोवाइड किया है जो कि आसानी से देखने को नहीं मिलता है स्पोर्ट्स बाइक के अंदर, आपको अलग से परचेज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में ही मिल जाता है जो कि पिलियन के लिए इस्तेमाल होता है और जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स बाइक है इसलिए यहाँ पे मोनोशॉकर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे गियर सिस्टम दिया गया है और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है तो आपके पैर में दर्द नहीं होगा, आपको एक अच्छा लेवल देखने को मिलता है इसका। एंड दोस्तों इसका जो टैंक है वो 12 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। जब हमने इसको परचेज किया था तब हमें 2 लीटर शोरूम वालों ने डाल के दिया था एंड देन हमने इसको फुल कर लिया था 10 लीटर के साथ। दोनों तरफ TVS की बैजिंग है। सेंटर में आपको जो डिजाइन देखने को मिलता है रेड कलर में, ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। TVS रेसिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं बार बार इसी बात को कहूंगा कि प्योर रेसिंग लुक आपको इसमें मिलता है बाइक के हर एंगल पे। तो आइए दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड वर्किंग मैकेनिज्म पे नजर डाल लेते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है स्पेशल एडिशन में। तो यहाँ पे आप बाइक की चाबी लगाएंगे एंड ऑन करेंगे, जो DRLs हैं वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, परमानेंट ऑन रहते हैं जब भी आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हैं। यहाँ पे आपको स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एडिशन में आता है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है इस एडिशन की। हाई बीम एंड लो बीम का ऑप्शन दिया गया है, इंडिकेटर्स दिए गए हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे ब्लूटूथ का बटन दिया गया है यानी कि आप इसको प्रेस करेंगे तो ब्लूटूथ यहाँ पे ऑन हो जाएगा एंड देन ऑफ हो जाएगा, आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर पाएंगे। नीचे आपको हॉर्न देखने को मिलता है जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा लाउड है हॉर्न की हमेशा की तरह। राइट स्विच की बात करें दोस्तों यहाँ पे आपको किल स्विच देखने को मिल जाएगा, आप इसको ऑन करेंगे तभी इंजन ऑन होगा। देन आपको यहाँ पे मोड का बटन देखने को मिलता है, 3 मोड्स के साथ ये बाइक आती है, रेन अर्बन एंड स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगा तो वो काफी अच्छी चीज है, सेपरेट बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको लाइट ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। देन नीचे है इलेक्ट्रिक स्टार्ट, इसमें आपका ब्रेक ऑयल डलेगा और कुछ नहीं डलेगा। दोस्तों एक खास फीचर इसका ये है स्पेशल एडिशन का, इसके जो लीवर्स हैं ये एडजस्टेबल हैं, आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे कि 2 नंबर पे सेट कर दिया तो अब ये थोड़ा दूर चला गया, अगर आपका हाथ और बड़ा है तो आप 3 नंबर पे सेट कर सकते हैं तो गैप आ जाएगा, इतना दूर हो जाएगा ये, तो आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग इसको सेट कर पाएंगे, ये एक अलग फीचर है। दोस्तों ये है इस बाइक का स्पीडोमीटर जो कि हाइलाइटिंग पॉइंट है, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस के साथ आता है। न्यूट्रल की लाइट जलती हुई नजर आती है। दोस्तों ये जो वेरिएंट है सिर्फ यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं यानी कि किस गियर में आपकी गाड़ी चल रही है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे इस क्लस्टर के अंदर। साथ ही साथ साइड स्टैंड और ब्लूटूथ का भी यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन की बार दी गई है जो कि अभी फुल है, 12 लीटर का टैंक आता है दोस्तों इसके अंदर, और उसके नीचे आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सेंटर में आपको एवरेज स्पीड देखने को मिलती है, नीचे आपको मोड नजर आ रहा होगा, अर्बन मोड पे भी ये सेट है, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब ये हो गया स्पोर्ट मोड, देन आपको रेन मोड मिलेगा, देन दोबारा अर्बन मोड आ जाएगा। ऊपर की तरफ RPM देखने को मिलते हैं जो कि मैक्सिमम 12,000 तक के दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इंजन की लाइट देखने को मिलेगी, ABS की लाइट देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको कंट्रोलर स्विच देखने को मिल जाएंगे लेफ्ट एंड राइट पे, जिससे आप नेक्स्ट सर्विस को देख पाएंगे, एवरेज स्पीड को देख पाएंगे, ठीक है। और जो लेफ्ट की तरफ दिया गया है जिस पे M बना हुआ है, इससे आप चेक कर पाएंगे लैप टाइमर मोड को, हाई स्पीड मोड को देख पाएंगे आप, एंड देन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 0 से 60 कितने सेकंड्स में आपने अचीव किया था लास्ट टाइम, देन दोबारा नेक्स्ट सर्विस यहाँ पे आ जाता है। फ्रंट पे आप नज़र डालते हैं इसके हेडलैम्प पे तो प्योर व्हाइट कलर के इसमें लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, जो DRLs हैं वो भी व्हाइट कलर में देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही ज्यादा तेज लाइट आपको इसमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों काफी सारे फीचर्स के साथ आता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्पेशल एडिशन का। जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वेरियंट में देखने को मिलती है, हाई एंड वेरियंट में, TVS Apache RTR 164V के। दोस्तों अब आते हैं राइडिंग एंड कंफर्ट के पॉइंट पे कि अपाचे RTR 164V स्पेशल एडिशन में कैसी राइडिंग और कंफर्ट आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैंने इसका हाईर वेरिएंट भी इस्तेमाल किया हुआ है जो कि 180cc में आता है, एंड यकीनन मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हूँ इसकी राइडिंग एंड कम्फर्ट से 180 के मुकाबले में। उसके अंदर आपको थोड़ा वेट महसूस होता है अपनी बॉडी के ऊपर कि आप एक हैवी बाइक को चला रहे हैं, हालांकि सीसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इसकी जो राइडिंग है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। जब मैंने इसको पहली बार चलाया दोस्तों तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक में था और इम्प्रेस भी था TVS से कि उन्होंने इस बाइक को इतने अच्छे से वेल डिज़ाइन किया है। तो हैंडलिंग दोस्तों इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, नो डाउट। हमारे राइडर साहब यहाँ पे तैयार हो रहे हैं इस बाइक के कटिंग एज परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। ट्रैफिक में भी आप इसे राइड कर रहे हैं अगर, और काफ़ी कम जगह है तो हैंडलिंग की जो कटिंग है, हैंडल का जो कट है वो काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। तो आइए एक राउंड और मारते हैं, मैं इसको कट करके दिखा रहा हूँ आपको।
कटिंग काफ़ी अच्छी है और पिकअप मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सेलरेशन देखने के लिए मिल रहा है। और आइए पहले गियर में फिर से इसे काटते हैं। ये आप देखिए कितने कम कट में हम इसे काट पा रहे हैं। और ये 160 सीसी की बाइक हम चला रहे हैं और जिसमें आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स मोड भी आता है और इतना अच्छा कट है। और ये पिकअप देखिए कितना ज़्यादा है, बहुत अच्छा पिकअप है। अब आप देखिएगा फ्रंट ब्रेक हम दिखाएंगे आपको, ये फ्रंट ब्रेक है। तो नो डाउट मैं कहूँगा आपसे कि जो फ्रंट ब्रेक भी इसके अंदर काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है फ्रंट ब्रेक भी, और जो बैक का ब्रेक है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ब्रेकिंग इसमें कुछ आपको कम लग रही है, तो आप काफ़ी ज़्यादा इसको चलाते टाइम कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है जब आप इसको परचेज़ करने के लिए जाएंगे। सबसे पहला फीचर है रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन के साथ ही आता है, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी इस बाइक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी का फीचर भी इस बाइक के अंदर आता है, यानी कि जब आप ट्रैफिक में इसको चलाएंगे तो आपको बार बार गियर्स को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ये आराम से निकल जाएगी बिना बंद हुए। एंड यस एडजस्टेबल लीवर के साथ आता है, वो तो मैंने आपको पहले से बताया ही है। एंड अगेन गियर इंडिकेटर भी इसके अंदर आते हैं जो सिर्फ इसी वेरियंट में दिए गए हैं। तो दोस्तों यकीनन अंडर 150,000 के बजट में ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट बाइक मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ विद लोडेड फीचर्स। दोस्तों चैनल पे पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टेक थेरेपी को जरूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।